सो ही हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेंजिया के बारे में। क्या आपने कभी पेंजिया के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेंजिया के बारे में। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो 280 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। सुपर कॉन्टिनेंट्स यानी सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स उस वक्त एक साथ थे। अब ये सारे के सारे जो लैंड है, जो सुपर कॉन्टिनेंट है, वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। वो एक पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है, और वो जो सेक्शंस है उसे हम बोलते हैं प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे मूव होती है, जिस हिसाब से हमारे पैर के नाखून बढ़ते हैं उस स्पीड से, और उससे भी धीरे स्पीड से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ के मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे ऐसा चेंज आया था जिसकी वजह से पेंजिया बना। पेंजिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल लैंड्स इन ग्रीक्स। अब आप इमेजिन कीजिए, अभी का वर्ल्ड का मैप देखिए और सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ ले आइए। और अगर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि इन सबको साथ में मिला दिया है, तो जो हमारे पास लैंड का पोर्शन है उसे हम पेंजिया कहते हैं। बहुत सालों पहले ये पेंजिया एग्जिस्ट करता था। ये इसके साइड में, मतलब जो पूरा का पूरा वाटर का पोर्शन था, इसे हम बोलते थे पेंथेलेसा। ये एक बड़ा सा ओशन था। अब हम जानेंगे पेंजिया फॉर्म कैसे हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हिलते हैं। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो आगे पीछे हिलते रहते हैं। इसके नीचे एक मेंटल की लेयर होती है जिसकी वजह से ही ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं। अब इसमें तीन प्रकार के हिलाव होते हैं, स्प्रेडिंग, सबडक्शन जिसमें एक दूसरे के पास पास आ जाती है, और लेटरल स्लाइडिंग मतलब धीरे से एक दूसरे को स्लाइड करती है। 300 मिलियन साल पहले ये सारी की सारी जो कॉन्टिनेंट्स थे वो साउथर्न हेमिस्फीयर में थे। अब ये दोनों ये सब एक दूसरे के पास आने लगे, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये पेंजिया फॉर्म हुआ। पेंजिया दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था आज के समय को उसे हम देखने जाए तो। एपलाचियन माउंटेन्स, फिर उरल माउंटेन्स, और बड़ा सा डेजर्ट जो आज हम कहते हैं सहारा डेजर्ट, ये सारी की सारी वहाँ की चीज़ें थी। और एक सी भी थी जिसका नाम था पेरमियन सी। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स है पेंजिया में। 200 मिलियन साल बाद ये सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगे, एक दूसरे से दूर होने लगे, और ये होता गया। और फिर उसके बाद इन्हें दो लैंड में डिवाइड करा गया जिसका नाम है लॉरेशिया और गोंडवाना। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये और मिले और हिले, और आज जाके ये हमारे जो आज का हमारा मैप है वो बन गया। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है, और जबकि गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका आते हैं। इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अलग है। पेंजिया बहुत ज़्यादा पहले एग्जिस्ट करता था, तो हमें पता कैसे है कि ये एग्जिस्ट करता था। अब जो रिसर्चर्स हैं उनने रिसर्च की और पाया कि जो फॉसिल्स हैं, जो रॉक्स हैं, उनके जो एविडेंसेस हैं, उनसे ऐसा पता चला है कि ये दोनों थोड़े थोड़े कॉन्टिनेंट से मैच होते हैं। अब ये जो फॉसिल्स हैं वो थे डायनासोर्स के। अब डायनासोर्स के फॉसिल थे वो ऐसे ऐसे जगहों से पाए गए, वो बहुत दूर थे। जैसे कि हम एग्जांपल में लें तो मेसासोर्स, जो एक बहुत ही पुराने डायनासोर हैं, उनके फॉसिल साउथ अमेरिका में पाए गए हैं, और साथ में साउथ अमेरिका में भी पाए गए। तो इतनी दूर डिस्टेंस कैसे मतलब ट्रैवल की होगी मेसासोर ने। तो इस से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जो ये थे ये सारे एक साथ थे। डीएनए एविडेंसेस भी फाइंड हुए हैं ह्यूमंस, मतलब थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं कोई कोई कॉन्टिनेंट्स के बीच में। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।